नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। और कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICA का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी ने सम्मेलन का किया विधिवत उद्घाटन। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय संघ के उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि मुझे खुशी है कि 65 साल बाद भारत में इस तरह का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आप सभी दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं। मैं भारत के 120 मिलियन किसान, भारत की 30 मिलियन से अधिक महिला किसानों, देश के 30 मिलियन मछुआरों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज आप उस देश में जहां 550 मिलियन पशु रहते हैं और इस कृषि प्रधान और पशु प्रेमी देश में आप सभी का स्वागत है। भारत जितना प्राचीन है उतना प्राचीन कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव है। भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि हमारी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है और इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप मूल कहा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब भी सम्मेलन में मौजूद रहे। 65 साल बाद भारत में हो रहे सम्मेलन में लगभग 75 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और देखिए, मदन राठौड़ ने संभाला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद का कार्यभार। मदन राठौड़ का जयपुर एयरपोर्ट पर ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। वाहनों के भारी काफिले के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं मदन राठौड़। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक राठौड़ का जगह जगह स्वागत और सत्कार किया गया। भाजपा कार्यालय में पूजा अर्चना के बाद मदन राठौड़ ने कार्यभार संभाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, सह प्रदेश प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैलाश चौधरी सहित कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और देखिए, तस्वीरें वाकई में ऐतिहासिक थी क्योंकि प्लेट में भी आप दो तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मदन राठौड़ का स्वागत किया गया और कई दिग्गजों की मौजूदगी रही। मदन राठौड़ ने संभाला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद का कार्यभार। भाजपा कार्यालय में पूजा अर्चना के बाद मदन राठौड़ ने अपना कार्यभार संभाला है। मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण करने के बाद भाजपा कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राज का विरोध किया, जनता के बीच संकल्प लेकर गए थे, आज उस एक एक संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। हम बजट के जरिए जन जन की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं मछली तो पकड़ ली, मगरमच्छ कहा है। मेरा कहना है कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। ERCP का जल्द ही शिलान्यास होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यमुना जल समझौता हमने किया, युवाओं के सपनों को कांग्रेस ने चकनाचूर कर दिया। हम 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने का काम कार्यकर्ता को ही करना है। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना ही है। और इसके अलावा भी देखिए, कई बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कही क्योंकि कई दिग्गजों की मौजूदगी रही और आगे का क्या कुछ रोडमैप होने वाला है इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जानकारी देते हुए नजर आए। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का। मदन राठौड़ ने संभाला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद का कार्यभार। भाजपा कार्यालय में पूजा अर्चना के बाद मदन राठौड़ ने कार्यभार संभाला है। मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण के बाद भाजपा कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन किया गया। पूर्व CM वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित किया और कहा कि मदन जी ने मेरे साथ काम किया है, ये धैर्यवान है। धैर्य के कारण ही आज BJP प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। 3 चीज बेहद अहम है राजनीति में और वो है पद, मद और कर्म। अच्छा कर्म करोगे तो लोग याद करेंगे, पद का मद हो जाता है तो कद नहीं रहता। मदन जी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता धन से नहीं मन से काम करता है, विचारधारा की मशाल को आगे लेकर जाता है और मुझे भी विशाल परिवार का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा
कि बीजेपी हमारा परिवार है, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। और देखिए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी नजर आई उस दौरान, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता तो पहुंचे ही थे। विशाल रैली वहां पर देखने को मिली थी, बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। और उन्होंने भी संकल्प लिया कि जो कार्य हम करेंगे आगे, जो लक्ष्य रखा गया है उसको जरूर पूरा करेंगे। और देखिए मदन राठौड़ ने संभाला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद का कार्यभार। भाजपा कार्यालय में पूजा अर्चना के बाद मदन राठौड़ ने कार्यभार संभाला है। मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण के बाद भाजपा कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन किया गया। सभा को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संबोधित किया और कहा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की भूमिका मैं निभाऊंगा। कार्यकर्ताओं को सरकार नुमाइंदा मानती है, जनता धन्यवाद और शिकायत आपको ही देती है, सरकार आपकी है, इसलिए सरकार की प्रशंसा करो। हम सुनेंगे आपकी बात, आपके लिए सेतु का काम करेंगे। वसुंधरा राजे और विजया राहटकर ने मुझे गुरु मंत्र दिया है और इस मंत्र को हमेशा मैं अपने साथ रखूंगा। और देखिए जो अलग अलग तस्वीरें आज इस दौरान देखने को मिली, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करेगी सरकार। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरा ने इसको मंजूरी दे दी है। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया करेगा और इसके लिए मौजूदा भर्ती नियमों में बदलाव भी किया जाएगा। नियमों में काम करने का अनुभव मान्य होगा। सफाई कर्मियों के चयन के लिए प्रावधान किया जाएगा। लॉटरी और प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान किया जाएगा। और पिछले 10 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग पर ही सरकार अब ये कवायद कर रही है। इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दें कि स्वायत्त शासन विभाग भर्ती की विज्ञप्ति की जारी की गई थी और इस साल 1 मार्च को 24,797 पदों पर भर्ती जारी की गई थी। 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भी इसको लेकर किया था। और आयकर विभाग में जमा हुई है रिकॉर्ड 7,30,00,000 से अधिक आईटीआर। विभाग की ओर से जारी हुई अधिकारियों की सूचना, सामान्य करदाताओं के लिए आईटीआर जमा कराने की अंतिम तिथि थी 31 जुलाई। राजस्थान में जमा हुई 47,15,344 आईटीआर। जून 2024 में राज्य में जमा हुई थी 9,85,315 आईटीआर। आंकड़ों के अनुसार अकेले जुलाई महीने में ही राज्य में जमा हुई थी 37,30,029 आईटीआर। देश भर में जमा हुई थी 7,30,56,696 आईटीआर। 5,27,00,000 से अधिक आईटीआर जमा हुई है न्यू रेजिम में। और अकेले 31 जुलाई को देश भर में जमा हुई है 69.92 लाख आईटीआर। पहली बार 31 जुलाई तक देश में 58.57 करदाताओं ने यह आईटीआर जमा कराई है। 6,38,00,000 से अधिक आईटीआर का सत्यापन किया जा चुका है। और अब तक की अगर बात की जाए, यानी कि अब तक का जो आंकड़ा कहता है वो है कि 2,96,11,027 आईटीआर ही प्रोसेसिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है। और उड़ीसा की बीजेपी नेता ममता मोहंता भाजपा में शामिल हुई है। ममता मोहंता बीजेपी छोड़ने के एक दिन बाद भाजपा में शामिल हुई है। उड़ीसा से बीजेपी की राज्यसभा सांसद थी ममता मोहंता ने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। भाजपा की विचारधारा में भरोसा और इसलिए बीजेपी से इस्तीफा दिया गया था। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है। उड़ीसा की बीजेपी नेता ममता मोहंता भाजपा में शामिल हो गई है। और देखिए वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता मोहंता बीजेपी छोड़ने के एक दिन बाद भाजपा में शामिल हुई है। उड़ीसा से बीजेपी की राज्यसभा सांसद थी ममता मोहंता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा की विचारधारा में भरोसा और इसलिए बीजेपी से इस्तीफा दिया गया है। और प्रदेश में इस बार खरीफ की बुआई लक्ष्य के मुकाबले 89.62% रही है। अब तक की अगर बात की जाए तो अब तक 1,47,00,000 ये
बुवाई हुई है। पिछले साल 1,58,13,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। अनाज की बुवाई लक्ष्य के मुकाबले 97.32% हुई है। दलहन की बुवाई लक्ष्य के मुकाबले 83.40% हुई है। तिलहन की बुवाई की बात की जाए तो लक्ष्य के मुकाबले 92.32% हुई है। बुवाई का आंकड़ा पिछले साल से 10% पीछे रहा है, यानी कि जो आंकड़ा देखने को मिला है इस बार वो पिछले के मुकाबले काफी पीछे रहा, क्योंकि दुल्हन की बुआई लक्ष्य के मुकाबले इस बार जो आंकड़ा सामने आया है 83.40% हुई है। तिलहन की बुआई लक्ष्य के मुकाबले फिलहाल 92.32% बताई जा रही है। प्रदेश में मॉनसून मेहरबान है। 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अगस्त तक चलेगा प्रदेश में बारिश का दौर। इसके अलावा कोटा उदयपुर संभाग जिलों में अति भारी बारिश की आशंका से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की आशंका के चलते आज भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और केकड़ी जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में तेज बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया है। मानसून में राजस्थान में अब तक हो चुकी है औसत से 12% ज्यादा बारिश, यानी कि इस बार अगर बारिश की बात की जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। प्रदेश में क्योंकि मानसून मेहरबान है, ऐसे में 3 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का ऑरेंज और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर चलेगा। कोटा उदयपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश की आशंका से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की आशंका के चलते आज भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और केकड़ी जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। वहीं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भी भर गया है। मानसून में राजस्थान में अब तक औसत से 12% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।